लव्य व्यवस्था अध्याय 25, लव्य व्यवस्था अध्याय 25, सातवें वर्ष और पचासवें वर्ष के विश्राम कालों की विधि। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। छह वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और छह वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु सातवें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा और भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। और सात वर्ष विश्राम वर्ष और अर्थात सात गुना सात वर्ष गिन लेना। सातों विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब सातवें महीने के दसवें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस पचासवें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहां वह पचासवां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेती में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष वह रहे उतना ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझबूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे और पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि सातवें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको छठवें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज तीन वर्ष तक काम आएगी। तुम आठवें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे और नवे वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम
अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंध कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। और लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इसराइलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही है और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती न लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना, वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे, तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूं, इसलिए वे दास की रीति से न बेची जाए, उस पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हो और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना, और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हो उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे, और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे, उनमें से
तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी व यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री व उसके वंश के हाथ बेच डाले और उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है व उसका चाचा व चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है, व यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपए से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे, और यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे और अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए, और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।